बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कानून लड़ाई ही नहीं लड़ी जा रही है, सियासी मोर्चे पर भी जंग शुरू हो गई है। मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करने वाले ओवैसी ने सवाल किया कि क्या सजा के नाम पर बाप दादा का घर भी गिरा देंगे। प्रयागराज में हिंसा के लिए उकसाने के आरोपी के घर को बुलडोजर चलने से ओबीसी तमतमाए हुए हैं। वो कानून पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वो पूछते हैं कि कोई दोषी भी है तो उसका घर कैसे गिरा सकते हैं। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है फिर बताओ आप? अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। ओबीसी का सवाल है कि घर पूरे परिवार का है, एक छत के नीचे पत्नी बच्चे सभी रहते हैं, फिर कानून किसी की छत कैसे छीन सकता है? बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजस्व कायदों की अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है। क्या जरूरत है अदालत की फिर? क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदके में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। प्रयागराज से निकली बात दूर तलक चली गई। नफरत के खिलाफ नफरत के इस्तेमाल का इल्जाम चढ़ा जा रहा है। दलील तो यहाँ तक है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का कानून है तो इसका इस्तेमाल बीजेपी की मंत्री के बेटे आशीष टेनी के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा क्यों बाहर है? योगी मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसान में वो नुपुर शर्मा अनाप शनाप पकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में भी डाल कर रखें। ओबीसी के सुर में सुर मिलाते कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी दिखे और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अब अजायब घर में ले जाकर रख दो इंसाफ की तराजू को और कर दो ऐलान, हुक्मरानों ने ही लिया है कानून हाथों में। मेरा तो एक ही प्रश्न है प्रशासन से, शासन से, कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति यदि कोई जुर्म करता है तो पूरे परिवार को सजा क्यों मिले? जिसने अपराध किया उसको दंडित करिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन उन निर्दोष परिवारों को दंड क्यों दे रहे हैं? आखिर जब मकान तोड़ा जाता है तो उसमें तो अकेला थोड़ी रह, पूरा परिवार रहता है। अब तो हिंसा पर भी सियासत है और सजा पर भी। हर सियासत की अपने खांचे हैं, अपनी दलील है, अपने बयान है। भुज से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।